satisfy? Are you with the current political leadership in Jammu and Kashmir? यानी के जो राजनीतिक यहाँ पर नेतृत्व रहा वर्तमान के अंदर, वहां आपने किस तरह से देखा कि काम हुआ या नहीं, उस पर आप कितना संतुष्ट थे, ये एक बड़ा सवाल शीतल रखा गया। सवालों के आधार पर हमने आज का एक पोल तैयार किया है, लेकिन इससे वो आपको सबसे पहले जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसी सेशन में बताएंगे, ग्राउंड पर गए, आम लोगों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, जम्मू कश्मीर के बुजुर्गों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, और खासतौर ऑनलाइन बातचीत करने की कोशिश की, जिस आधार पर यह एग्जिट पोल तैयार किया गया है। तो दूसरा सवाल जो हमने आम जनता से पूछा, हाउ सेटिस्फाइड आर यू, डू यू बिलीव दैट द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज बेनिफिटेड इन J&K, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का हटना कितना लाभदायक है या इससे लोगों को कितना लाभ मिला है, ये तमाम सवाल हमने जनता के रखे हैं और इसी आधार पर ये पोल भी तैयार हुआ है। आशा, और उसके साथ साथ देखिए एक एक करके सवाल आपके सामने खुल रहे हैं कि आखिर आंकलन कीजिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुद्दों को लेकर काम किया गया उससे आप कितना संतुष्ट हैं, उसका आंकलन किस तरह से करते हैं, यानी कि रेट द एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स इन हैंडलिंग सिक्योरिटी इश्यूज जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहे हैं, इस पर भी चर्चा हुई। और उसके साथ साथ देखिए समझना ये बहुत ही अहम रहेगा कि सुरक्षा का बड़ा मुद्दा 2024 के चुनावों के बीच में जरूर रहा, क्योंकि 2014 के बीच में आपने देखा कि 28 सीटों पर PDP सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, तीसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके साथ साथ चौथे नंबर पर कांग्रेस रही थी। लेकिन अब यहां पर जिन मुद्दों के साथ हमने आज बातचीत करने की कोशिश की है, इस पर चर्चा करना और संवाद करना जरूरी था कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर जनता ने जो फैसला सुनाया है उसका सही से यहां पर हकदार जो है वो कौन रहेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब यहां 10 साल के लंबे अंतराल के बाद चुनावों में यहां बढ़ चढ़कर भाग लिया गया, क्योंकि आपने देखा 18 सितंबर से चुनाव शुरू हुए, 25 सितंबर को चुनाव हुए, उसके बाद 1 अक्टूबर को दोबारा से तीसरे चरण का चुनाव हुआ, जिसमें सबसे पहले फेज की अगर हम बात करते हैं तो 61% मतदान हुआ, दूसरे चरण की बात करते हैं तो 57.31% वोटिंग हुई, और उसके बाद अगर हम यहां पर तीसरे चरण की बात करते हैं तो 65.68% मतदान हुआ। उसके साथ ही देखिए जो अगले सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर सुरक्षा मुद्दों को लेकर जो काम किया गया उस पर कितना काम होना चाहिए था, कितनी संतुष्टि है, डू यू थिंक एनफ हैज बीन डन टू इम्प्रूव यहाँ इंफ्रा इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि बुनियादी ढांचे को लेकर जो काम किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर वो कितना काम अब जनता के सामने हुआ है, आम जनता को उसका कितना लाभ हुआ, इस पर भी आंकलन लेने की कोशिश की गई, रिवर्ट बैक किस तरह से हुआ है उसी के आधार पर एग्जिट पोल रखा गया। बिल्कुल, धारा 370 का मुद्दा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, जो दावे 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए हैं, ये तमाम सवाल हमने भी लोगों के सामने रखे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से आप संतुष्ट हैं, क्या बुनियादी विकास जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, क्या इसकी आधारशिला रखी गई है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं, ये तमाम सवाल है। अब जरा अगले सवाल पर बढ़ते हैं और उसकी बात करते हैं, हाउ डू यू असेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं उसका आकलन आप कितना कर पाए हैं, क्या वो उतना काम यहाँ पर सरकारें कर पाई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर क्या यहाँ पर जो रोजगार है वो युवाओं को मिल पाया है या नहीं, ये तमाम सवाल हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर ये भी रहा है और विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से इन चुनाव के अंदर उठाया है कि आखिर रोजगार के किस तरह से यहाँ पर दरवाजे सरकार ने खोले हैं। 2014 में जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और PDP की सरकार बनी थी उस समय रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अब जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आशा अगला सवाल रोजगार और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा, यानी कि रोजगार को लेकर जिस तरह से बड़ा सवाल बनाया गया और विपक्षी पार्टियों की तरफ से बड़ा मुद्दा इसे गिनाया गया कि 27% से भी नीचे बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर की जो है वो गिर गई है, तो आप देखिए उस पर जनता ने अपना किस तरह से फीडबैक दिया है, इस पर भी आंकलन करने की कोशिश हुई। लेकिन उस बीच में गुलिस्तान न्यूज एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर की जो असेंबली का 2024 का है, जिस तरह से अब अगर हम आपके सामने रखें तो देखिए जिस तरह से कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन दोनों की बात होती है, जहां पर कश्मीर रीजन को अगर हम सबसे पहले लेते हैं तो साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर ये नंबर ऑफ जो सीट्स है वो 47 बन जाती है, जिसमें
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहां पर जनता ने किसका फैसला किस तरह से सुनाया है। जम्मू रीजन की तरफ अगर हम बढ़ जाते हैं तो पीर पंचाल आता है, चेनाब वैली आता है, जम्मू सेंट्रल आ जाता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 43 आ जाती है। लेकिन साउथ कश्मीर में देखिए, अगर हम देखें कि पहले चरण में जिस तरह से चुनाव हुआ था उसमें साउथ कश्मीर को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपिया सीट की बात होगी कि आखिर यहाँ पर किस तरह से भाग्य का फैसला होगा और कौन सी वाली सीट पर कौन सी वाला नुमाइंदा जो है वो जीत कर सामने आने वाला है। यानी कि क्लोज फाइट किस तरह से होने वाली है, किस तरह से कांटे की टक्कर रहेगी। और उसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा का इलाका आ जाता है और उसमें भी यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि आखिर नॉर्थ कश्मीर के अंदर समीकरण किस तरह से यहां पर रहने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ समझना ये बहुत ही अहम और दिलचस्प रहेगा। शीतल, बिल्कुल आपने सही कहा। और कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन दो भागों की राजनीति। कश्मीर रीजन में साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, यानी कश्मीर रीजन को तीन भागों में बांटा गया है। और जम्मू रीजन पीर पंचाल, चिनाब वैली और जम्मू सेंट्रल जिसमें 43 सीटें हैं, कुल मिलाकर 90 सीटें हैं। और सबसे खास बात कश्मीर रीजन की बात करें साउथ कश्मीर में जिसमें 16 सीटें हैं, नॉर्थ कश्मीर जिसमें 16 सीटें हैं और सेंट्रल कश्मीर जिसमें 15 सीटें हैं, कुल मिलाकर 47 सीटें सामने आ जाती हैं। जम्मू रीजन की बात करें तो पीर पंचाल में 8 सीटें हैं जिसमें राजौरी पुंछ तो जिला आता है, उसके बाद चिनाब वैली में 8 सीटें हैं जिसमें किश्तवाड़, डोडा और रामबन का जिला आता है, उसके बाद जम्मू सेंट्रल जिसमें 27 सीटें आती हैं जिसमें जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ और इसमें रियासी भी आता है और कुल मिलाकर 43 सीटें जम्मू रीजन के अंदर है। और जिस तरह से चुनाव इन दोनों संभागों के अंदर हुए हैं, जो सरगर्मियां हमने पिछले कुछ दिनों में देखी हैं, जो त्यौहार जैसा माहौल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, उससे लगता है कि ये चुनाव वाकई में पिछले इतिहास में हुए चुनाव से बेहद अलग और बेहद भिन्न है। ये इसलिए क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहले चुनाव हुए। इससे पहले चुनाव के अंदर जरूर छुटपुट घटनाएं या बायकॉट की कॉल जो है वो निकलकर सामने आती थी, लेकिन इस बार ये चुनाव सकुशल संपन्न हुए हैं, सुरक्षित संपन्न हुए हैं और पूरी जो पारदर्शिता है इन चुनावों में देखी गई है और इलेक्शन कमीशन इसे एक बड़ी जीत भी मान रहा है। आशा, चलिए तो फिलहाल जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन को आपके सामने रख रहे थे, लेकिन बड़ी अपडेट के साथ ही यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक बार फिर से, क्योंकि बस कुछ ही देर के बाद एग्जिट पोल सामने आएगा और गुलिस्तान न्यूज का ये सबसे सटीक एग्जिट पोल होने वाला है। एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी ये आप जानेंगे, कहाँ पर किस दल ने यहाँ पर आप देखिए वर्चस्व अपना दिखाया है, फतह हासिल की है ये आप समझना, और उसके साथ साथ आप देखिए जिस तरह से फतेह जो है वो किसने हासिल की है ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए एग्जिट पोल को लेकर अगर शीतल हम बात करें तो कहीं ना कहीं वोटर जो है वो बटा है इस बार, क्योंकि जिस तरह से हमने अपना सर्वे किया है, आंकलन करने के बाद जो एग्जिट पोल हमने तैयार किया है, जो आप देखिए डेस्क पर किस तरह से हमारी टीम लगी हुई है और प्रॉपर पूरे तरीके से सटीक एग्जिट पोल जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के सामने रखा जाएगा, जिसमें एक सवाल उठकर जरूर सामने आया कि वोटर इस वक्त यहां पर बटा, क्योंकि 2024 में जो चुनाव हुआ वो मुद्दों के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, सीट के आधार पर हुआ और उसके साथ साथ फेस के आधार पर हुआ, पार्टी के आधार पर हुआ, यानी कि वोटर बटा। फैक्टर्स कुछ यहां पर सामने आए जिसमें इंजीनियर राशिद का एक फैक्टर सामने आया था, जमात इस्लामी का एक फैक्टर सामने आया था जिसमें जमात इस्लामी इस बार चुनावों में देखी गई लोकतंत्र की एक मिसाल कायम हुई, लेकिन उस बीच में यहां इंजीनियर राशिद जब पहुंचे तो ये बड़ी बात कही गई कि जरूर यहां पर आप देखिए वोट काटने का जो अभियान है वो शुरू जरूर होगा, लेकिन उसका फायदा कितना रहेगा ये तो एग्जिट पोल में ही देखा जाएगा। बिल्कुल, और बहुत खिचड़ी इन चुनाव में पकी हुई है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन इस खिचड़ी का स्वाद और इस खिचड़ी की सुगंध 8 को पता लग पाएगी, लेकिन आज एग्जिट पोल के जरिए हम आपको जरूर ये बताएंगे कि आखिर किसकी हवा और ज्यादा चल रही है और कौन इस तेज हवा के झोंके में और इसकी चपेट में आएगा और वो जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाएगा। हालांकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जगह ये दावा कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि सरकार हमारी बनेगी और इस बार जो चुनाव से पहले एक नैरेटिव जम्मू के अंदर सेट किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि डोगरा मुख्यमंत्री बनेगा, जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तीन अलग अलग पहलू इस बार जम्मू के अंदर देखे गए हैं और बीजेपी भी अपनी जगह आश्वस्त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन